हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम बना रहे हैं चिकन। मैंने 1 किलो चिकन लिया हुआ है तो गैस पे कुकर चढ़ा दिया है, बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया हुआ है, तेल गर्म हो गया दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून आधा टी स्पून दोस्तों मीठी सौंफ, इसको ऐड करते हैं। इसको ब्राउन होने तक वेट करेंगे और फिर ऐड करेंगे इसमें कटा हुआ प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हो जो स्लाइस में काटे हुए, अब इनको ऐड करते हैं। अब इसको चंगी तरह से मिला लो दोस्तों और प्याज का भी ब्राउन होने तक वेट करते हैं दोस्तों। भाई दोस्तों, प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए। दोस्तों कसूरी मेथी 1 चम्मच फ्लेवर के लिए और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, बहुत अच्छा कलर आएगा दोस्तों इसका। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, इसको मिला लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा और डाल देते हैं पाउडर। बहुत बढ़िया भुन गया दोस्तों प्याज। दोस्तों 3 टमाटर लिए हुए मैंने, जिनको स्लाइस में काट दिया, मीडियम साइज के हैं। 1 इंच अदरक है, इसको मैं बाद में ऐड करूँगा। दोस्तों मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, ये अदरक, लहसुन का पेस्ट, अदरक नहीं सॉरी लहसुन का पेस्ट, इसको भी मिला लो अच्छी तरह से। 1 मिनट तक भून लो। अब हम ऐड करेंगे दोस्तों कटे हुए टमाटर। टमाटर दोस्तों ऐड हो गए हैं, इनको भी मिला लेते हैं अच्छी तरह से। टमाटर का पकने तक वेट करते हैं। दोस्तों टमाटर को पकाने के लिए तली में लग रहा है, तो इसमें मैं पानी ऐड करूंगा 1 गिलास। बढ़िया से टमाटर हमारा पक जाए तो वेट करते हैं दोस्तों पकने तक। दोस्तों टमाटर हमारे पक चुके हैं, ग्रेवी बन गई है। तो देखो कितनी बढ़िया ग्रेवी बन गई है। तेल छोड़ दिया है टमाटरों ने भी, तेल ऊपर आ गया दोस्तों, देख सकते हैं आप। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। दोस्तों चिकन मैंने 1 केजी लिया हुआ है, तो उस हिसाब से मैं दोस्तों बोलना भूल गया, मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाला हुआ है उसमें लहसुन में। तो आप नमक अभी भी डाल सकते हैं टमाटर में। तो ऐड करते हैं दोस्तों चिकन। दोस्तों चिकन हमारा ऐड हो गया है, अब इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। चिकन मिल गया दोस्तों हमारा। दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रश किया हुआ अदरक। अदरक दोस्तों अब हम ऐड करेंगे, हमने लहसुन में नहीं, इसमें पेस्ट में नहीं डाला हुआ है, ऊपर से करेंगे क्योंकि ये कड़वापन देता है। अब दोस्तों बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अदरक का। अब इसको भी मिला लेते अच्छी तरह से। थोड़े से गर्म मसाले ऐड करते हैं दोस्तों। 1 चम्मच गर्म मसाला,
इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। दोस्तों चिकन हमारा ग्रेवी में मिल गया हुआ है, इसको 5 से 10 मिनट इसी तरह पकाएंगे, कड़छी चलाते हुए, चम्मच को चलाते हुए इसी तरह पकाएंगे दोस्तों फुल आंच में। दोस्तों 5 से 7 मिनट हो गए चिकन को भूनते भूनते, पानी भी चिकन में छोड़ दिया हुआ है, जो कितनी बढ़िया से पानी आ गया चिकन से ऊपर। कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, कितना बढ़िया कलर आया हुआ इसका। अब हम दोस्तों इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे, आधा गिलास तकरीबन, बस इतना ही दोस्तों। अब हम इसको 10 से 12 मिनट और पकाएंगे दोस्तों मीडियम आंच में। दोस्तों 10 से 12 मिनट हो गए चिकन को भूनते भूनते, पकाते पकाते, और चिकन हमारा पक्के हो गया दोस्तों रेडी, बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है ये। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है चिकन। और मैं गैस की आंच को बंद कर देता हूँ दोस्तों, और इसको 5 मिनट वेट करता हूँ दोस्तों ठंडा होने तक, फिर मैं इसको सर्व करता हूँ एक प्लेट में। भाई दोस्तों चिकन हमारा ठंडा हो गया है, अब इसको मैं थाली में निकालता हूँ। देखो किस तरह से इसका कलर आया हुआ है, बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ दोस्तों, देखो किस तरह की ग्रेवी बनी हुई है। अब मैं दोस्तों सर्व करता हूँ। दोस्तों मैं प्लेट में थाली में चिकन डाल रहा हूँ, देखो कितना बढ़िया दोस्तों चिकन बन के रेडी हो गया है। देखो दोस्तों, देखो कितनी बढ़िया ग्रेवी बनी हुई है दोस्तों, आप चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ भी दोस्तों खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा चिकन बन के हमारा रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप थाली में कितना अच्छा लग रहा है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।